दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे ग्रेट डेन की 10 प्रॉब्लम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, हर डॉग ब्रीड में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम ग्रेट डेन की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर का मतलब पहली बार कोई सा भी डॉग पालना। ग्रेट डेन फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं होते, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा उसे कैसे ट्रीट करते हैं। आपकी कुछ गलती के कारण ये अग्रेसिव भी हो सकते हैं। अगर आपको डॉग के बारे में नॉलेज है तो आप इसे पाल सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, अग्रेसिव। ग्रेट डेन ओनर के प्रति बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन कोई अजनबी के साथ ये बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं होते। अपने ओनर के प्रोटेक्शन के लिए ये किसी की जान भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ट्रेनिंग। ग्रेट डेन को गलत ट्रेनिंग मिलने पर ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो आप इसे प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेन कराएं। ग्रेट डेन वैसे जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रेट डेन खेलते रहते हैं जिससे वो जल्दी ट्रेन नहीं होते। प्रॉब्लम नंबर 4, स्मॉल अपार्टमेंट। ग्रेट डेन लार्ज ब्रीड साइज की डॉग होती है, ये छोटे अपार्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं रह सकते। अगर आपके पास स्मॉल अपार्टमेंट है और आपको ग्रेट डेन पालना है, तो आप उसे रोज सुबह शाम 30 मिनट में पार्क ले जाओ और उसको खिलाओ। प्रॉब्लम नंबर 5, हेल्थ इशू। ग्रेट डेन को हेल्थ की प्रॉब्लम कम होती है, जिसमें से हाइपरडायप्लाज्मिया और बोन कैंसर देखा गया है। वैसे ये बीमारी हर डॉग ब्रीड में होती है। प्रॉब्लम नंबर 6, अलोन। ग्रेट डेन अपने ओनर के बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको अकेला रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। अगर आप उसे घर में अकेला छोड़ोगे तो रोएंगे, हाउलिंग करेंगे या फिर घर की चीज़ों का नुकसान भी कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, कोल्ड वेदर। ग्रेट डेन का शॉर्ट कोट होने के कारण उसे ठंडी बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो आप उसे ठंडी में क्लोथ पहना के रखें। ये इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से सूटेबल है, लेकिन आप अगर ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ 12 महीना ठंड हो, तो आप उसे वहाँ मत पालो। प्रॉब्लम नंबर 8, बोन प्रॉब्लम। ग्रेट डेन के लंबे साइज के कारण उन्हें बोन प्रॉब्लम होती है, और ये ज़्यादातर लार्ज ब्रीड साइज डॉग ब्रीड में देखी गई है। ग्रेट डेन को बचपन से आप कैल्शियम खिलाएं और प्रोटीन दें, ताकि ये अच्छे से रहे। प्रॉब्लम नंबर 9, स्लीप। ग्रेट डेन सोते समय खर्राटे मारते हैं, तो आप अगर उनके साथ सोते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 10, वेट गेन। ग्रेट डेन खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन उनके अंदर जीन के कारण उनका वेट नहीं बढ़ता, तो वो मोटे नहीं होते। दोस्तों ये थी ग्रेट डेन की 10 प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज रेगुलर हर दिन ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद, अलविदा मेरे दोस्तों, दुआ में याद रखना।